जी अस्सलाम वालेकुम। जमशेद आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। जमशेद अच्छा जी, अच्छा जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम? जमशेद कुछ आइडिया है कि लास्ट टाइम हम क्या डिस्कस कर रहे थे? मेजर कर्व एज ए स्पेशल केस ऑफ बी सप्लाइन कर्व। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, क्यूबिक बर्नस्टाइन पॉलीनोमियल इन टर्म ऑफ बी सप्लाइन। अब हमारे पास एक सीक्वेंस है, नॉट सीक्वेंस, ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। पहले हमारे पास क्या था, जो नॉट्स थी वो सिक्स थी और जीरो से सेवन तक हमारे पास सीक्वेंस है। उसमें जो पहली चार वैल्यूज हैं वो क्या हैं, जीरो हैं, और दूसरी चार क्या हैं, वन के बराबर हैं। तो हम ये चेक करना चाह रहे हैं जो क्यूबिक बर्नस्टाइन पॉलीनोमियल हैं इन टर्म ऑफ दी सप्लाइन पॉलीनोमियल। तो बेसिकली जो बर्नस्टाइन बेसिस हैं वो भी स्पेशल केस हैं, किसका, बी सप्लाइन बेसिस का। तो हम स्टार्ट करते हैं फॉर के इज इक्वल टू वन, एन आई वन ऑफ टी इज इक्वल टू वन इफ टी बिलोंग टू टी आई प्लस वन, अदरवाइज हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। पुट आई इज इक्वल टू जीरो, जब हम आई को जीरो पुट करते हैं हमारे पास क्या आ जाते हैं, उसका जो केस है एन जीरो वन ऑफ टी, इसको इक्वल होता है वन के जब हमारे पास टी बिलोंग करता है टी जीरो टी वन को। दिस इम्प्लाइज टी बिलोंग टू जीरो जीरो अदरवाइज जीरो। तो इसमें हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो हमारे पास जहाँ पे मेरा कर्सर आपको नजर आ रहा है, ये कोई इंटरवल नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस ये इंटरवल की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा। इसमें अगर आप देखें तो एक साइड पे हम कह रहे हैं कि जीरो इंक्लूड है, दूसरी साइड में हम कह रहे हैं जीरो इंक्लूड नहीं है, तो इसी में कंट्राडिक्शन आ रहा है। तो कंट्राडिक्शन की वजह से ये इंटरवल नहीं है। अगर ये इंटरवल नहीं है तो हमारे पास जो ब्लेंडिंग फंक्शन है, इट मीन्स के वन तब होता जब हमारे पास कोई इंटरवल एग्जिस्ट करता, जब हमारे पास जो इंटरवल हमारा आ रहा है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो बी सप्लाइन ब्लेंडिंग फंक्शन, ठीक है ना, वो किसके बराबर आ रहा है, जीरो के इक्वल आ रहा है जब हम आई को जीरो पुट करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, जब आई को वन पुट करते हैं तब भी हमारा जो इंटरवल है वो डिफाइन नहीं है, और आई टू पे भी हमारा इंटरवल डिफाइन नहीं है, लिहाजा आई वन टू पे ये इंटरवल क्या है, डिफाइन नहीं है। जब हमारा इंटरवल इस वैल्यू पे डिफाइन नहीं है तो हम नेक्स्ट वैल्यू को चेक करते हैं, आउटपुट आई इज इक्वल टू थ्री, तो उसमें हमारे पास एक इंटरवल आ रहा है जीरो वन का, जो इंटरवल एग्जिस्ट करता है। तो एग्जिस्ट करता है तो इसका मतलब ये है कि एन थ्री वन ऑफ टी जो है वो हमारा वन के बराबर होगा, इसके अलावा बाकी जो वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, जीरो के बराबर होंगी। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं एन थ्री वन ऑफ टी, ये हमारे किसके बराबर आ जाएंगे, वन के, इफ टी बिलोंग करेगा टी थ्री टी फोर, अदरवाइज हमारे पास क्या होंगी, जीरो। अब आई फोर पे जब हम चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेमी क्लोज इंटरवल आ रहा है वन का वन के साथ, जो कि इंटरवल की डेफिनेशन को फिर सेटिस्फाई नहीं करता, लिहाजा ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अब हम आते हैं ऑर्डर टू पे। ऑर्डर टू जब के को टू पुट करते हैं और आई को जीरो लेते हैं तो हमारे पास एन जीरो वन ऑफ टी ये वैल्यू आएगी,
ये वैल्यू और ये दोनों जीरो हैं, जब जीरो को किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू भी हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। एन ज़ीरो टू ऑफ टी क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। अब हम आई की वैल्यू अगेन चेंज करते हैं, ठीक है ना, पुट आई इज इक्वल टू वन, वन के ऊपर जो हमारा ब्लेंडिंग फंक्शन है उसके दोनों पार्ट्स एन वन वन ऑफ टी और एन टू वन ऑफ टी दोनों जीरो हैं, तो जब ये इनसे मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो फिर हम इसको चेक करते हैं आई इज इक्वल टू टू पे, जब हम इसको आई इज इक्वल टू टू पे चेक करेंगे तो हमारे पास एन टू वन ऑफ टी जीरो होगी, एन थ्री वन ऑफ टी हमने डिफाइन किया था वो जीरो नहीं थी, उसकी वैल्यू हमारे पास ये थी, और इसका जो कॉफिशेंट बच रहा है वन माइनस टी बच रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मुझे लग रही है कॉपी पेस्ट की वजह से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, एन थ्री वन ऑफ टी। इसको मैं ऐसा करता हूँ कि थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ क्योंकि ताकि ये मिस्टेक फिर, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हम चेक कर रहे थे, तो इसको हम ऐसा करते हैं कि इसको दोबारा हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज थी, थोड़ा सिस्टम एक्सीक्यूशन पे जब वो कर रहा होता है और नेटवर्क कनेक्टेड होता है तो थोड़ा टाइम लेता है, हम इसको थोड़ा सा, एक तो इसके अंदर काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं तो स्लाइड्स पे ऑलमोस्ट वो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा होता है। अब हमारे पास ये जो वैल्यू है, अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज थी, यहाँ पे एन थ्री वन ऑफ टी, अब हमारी वैल्यू क्या हो गया है, करेक्ट फॉर्म में आ गया है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऐसा करते हैं इसको i इक्वल टू थ्री पुट करते हैं, जब i थ्री पुट करेंगे तो इसमें हमारे पास i, जब हम थ्री पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी ये वाली आएगी, इसके अंदर हमारे पास n थ्री वन ऑफ t की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है और n फोर वन ऑफ t जो है वो क्या है, जीरो है। तो ये साइड जीरो हो जाएगी और इसमें ये हम ऐड कर लेंगे और इसका जो कॉफिशेंट है वो टी है, एन थ्री टू ऑफ टी जो है ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, इस वैल्यू के बराबर आ जाएगा, अदरवाइज हमारे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हम चेक करते हैं हमारे पास ये जो हमारे पास वैल्यूज है आई इज इक्वल टू फोर पे, ये हमारे पास क्या होगी, एन फोर टू ऑफ टी इक्वल टू हमारे किसके बराबर आ जाएगी, टी माइनस टी फोर डिवाइडेड बाई टी फाइव माइनस टी फोर, एन फोर वन ऑफ टी प्लस ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी। अब ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या है, एन फोर वन ऑफ टी भी जीरो है, एन फाइव वन ऑफ टी भी जीरो है, ये दोनों जीरो हैं तो एन फोर वन ऑफ टी जीरो है और सिमिलरली जो नेक्स्ट वैल्यू होगी वो भी जीरो होगी। तो ये हमने ऑर्डर टू के लिए डिस्कस कर लिया, फिर हम आते हैं ऑर्डर थ्री के लिए। ऑर्डर थ्री में हमारे पास क्या है, के को हम क्या पुट करते हैं, थ्री पुट करते हैं और इसकी ब्लेंडिंग फंक्शन में हम वैल्यूज चेक करते हैं। जब हमारा पहला केस होगा आई इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें हमारे पास जो वैल्यूज हैं एन ज़ीरो टू ऑफ टी प्लस हमारे पास क्या है एन वन ऑफ टी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो एन ज़ीरो थ्री ऑफ टी जो है वो हमारा क्या आ रहा है, वो
वो जीरो आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट इसमें हमारे पास जो वैल्यूज है आप सब लोगों को समझ आ रही है या किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है जी। इसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि n 1 3 ऑफ t जो है वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा। इसमें अगर आप गौर करें तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी जीरो हो जाएगी, n 2 2 ऑफ t जो था वो इसके बराबर था, इसको फर्दर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 - t बच रहा है, उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 1 - t² if t belongs to 0। तो ये हमारे पास क्या है, n 1 3 ऑफ t है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, i को क्या पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं। i को जब हम 2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये वैल्यूज आएंगे। इसमें हमारे पास n 2 ऑफ t और n 3 2 दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। इसका कोफिशिएंट क्या बच रहा है, t, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 - t। तो इसको t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटरवल भी सेम है, और इसको 1 - t के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इंटरवल भी सेम है। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 2 2 into 1 - t t belongs to 0। तो ये n 2 3 ऑफ t की वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब i को 3 लेंगे, i को 3 लेंगे तो हमारे पास n 3 2 ऑफ t इसकी वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करती है, और ये जो n 4 2 ऑफ t है इसकी वैल्यू 0 है। इसका कोफिशिएंट किसके बराबर है, t के बराबर है, t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारे पास n 3 ऑफ t की वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ऑर्डर k k = 4 के लिए चेक कर रहे हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे क्यूबिक वी सप्लाई की, इसकी डिग्री क्या बन रही है, 3 बन रही है, तो ऑर्डर उसको क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए था। उसमें हमारे पास जब k को 4 पुट करते हैं और i की वेरिएशन 0 लेते हैं तो हमारा जो पहला केस है वो 0 3 1 3, ठीक है। इसमें हमारी जो ये वैल्यू है 0 3 वाला केस है वो 0 है, तो जो 1 3 वाली वैल्यू है वो हमारी एग्जिस्ट कर रही थी और इसके बराबर थी। तो इसमें जब हम 1 - t दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है, ये n 0 4 ऑफ t की वैल्यू आ जाती है। फिर हम डिस्कस करेंगे पुट i = 1, जब i को 1 पुट करेंगे तो 1 3 और 2 3 दोनों की वैल्यू हमारे पास, इसमें 1 3 जो है वो वैल्यू हमारी क्या कर रही थी, एग्जिस्ट कर रही थी, और जो हमारे पास दूसरी वैल्यूज थी वो हमारे पास 0 हो रही थी। इसमें हमने क्या क्या, बल्कि दोनों वैल्यू हमारे क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं, इसमें n 2 3 और n 1 3। तो ये दोनों वैल्यू है, एक का कोफिशिएंट क्या है, t है, और दूसरी का कोफिशिएंट क्या है, 1 - t है। तो इनके साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक मिस्टेक है, शायद आप लोगों को नज़र आ रही हो, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए था, 2t into 1 - t². अगर आप ये देख रहे हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यूज है n 1 4 ऑफ t की वो इसके बराबर आनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें जब हम इनको ऐड करेंगे और इसका इंटरवल चेक करेंगे तो ये हमारे पास टोटल जो इसकी वैल्यूज है तो ये हमारे क्या बन जानी चाहिए थी। इसको हम ऐसा करते हैं कि दोबारा करेक्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। ये बेसिकली हमारी जो वैल्यूज थी वो इसके बराबर आनी चाहिए थी, ठीक है। तो
अच्छा अभी रहमान, आप सब लोगों को समझ आ रही है या किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है? जी अभी रहमान, आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। तो सारे की समझ आ रही है या नहीं आ रही? सर सिंपल सा ऐसा मैथमेटिकल स्टेप पे सर मुझे समझ आ रही है। ये है तो बड़ा आसान सा सब्जेक्ट, तो इसमें हमारे पास थोड़ा सा इसका जो एल्गोरिदम है अगर वो समझ आ जाए तो फिर हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं रहता इसको अंडरस्टैंड करना। यस सर, वो जब से हमने स्टार्ट किया है अगर बच्चा सर वहाँ पे गैप आ जाए, एक लेक्चर या दो लेक्चर मिस हो जाए तो फिर सिक्वेंस बनाने में टाइम लगता है। फिर डायरेक्ट जब वैल्यूज आ रही होती है वो समझ नहीं आती कि कहाँ से वैल्यू ली गई है और क्या उसका वो था इशू था। तो यस सर, इस तरह के इशू फिर इस सब्जेक्ट में आते हैं। ओवरऑल अगर सीक्वेंस के साथ कोई बंदा रेगुलर क्लासेज ले तो उसमें ये इश्यूज नहीं होते। यस सर, तो ये हमारे पास आई को जब हम वन ले रहे हैं तो ये हमारे पास ब्लेंडिंग फंक्शन था तो ये इसके बराबर आ गया। फिर हम ऐसा करते हैं कि आई को टू पुट करते हैं, आई को जब टू पुट करते हैं तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे इसकी। हो सकता है फिर इसी में वो टाइपोज की कुछ मिस्टेक्स आ गई हैं। ठीक है, ये 3t मेरे मुझे लग रहा है कि ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें ना। इसके साथ 2t स्क्वायर इंटू 1 माइनस टी है और इसमें हमारे पास क्या 1 माइनस टी, इसके साथ भी क्या है टी स्क्वायर है। तो ये हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास इसकी वैल्यूज थी इसको हम थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। छोटी छोटी जो बाज़ दफ़ा टाइपोज की मिस्टेक आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा तो मेरे ख्याल में सब्जेक्ट हमारा बहुत अच्छा है। जो हरा वाले से इसमें हमें चीज़ें इसकी क्लियर हो जाती हैं। यस सर, ये अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि सर इसमें थ्योरी कम है और मैथमेटिक्स स्टेप ज्यादा है, तो सर ये जो है ना हाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम फिर अंदाजा होगा ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अब 90 ऑब्जेक्टिव्स हमने बनानी है तो 90 ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों ने पहले से तैयार रहना है। और कुछ आपके जिम्मे मैंने डिस्कस भी की थी कि हर लेक्चर की अगर थोड़ी हम साथ साथ बनाते जाएं तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम ना हो। यस सर, तो आप कोशिश करें कि दो लेक्चर हो गए हैं तो इन दो लेक्चर में 15 से 20 हम बना लें, क्योंकि हमने इतनी तो बनानी पड़ेगी, अदरवाइज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी। ठीक है सर, ऐसा कि हर लेक्चर के सर 15 जो है ना वो एमसीक्यू सर इंशाल्लाह सर आपको मिल जाएंगे। मसला ये है कि कुछ लेक्चर में थ्योरी बिल्कुल नहीं होती तो इसमें फिर हमें या तो मैथमेटिकली टर्म देनी पड़ेगी। सर वो इंशाल्लाह सर बन जाएंगे सर, सिंपल ही होंगे, एमसीक्यू सिंपल से ही होंगे, अच्छे होंगे सर, टेक्निकल भी होंगे सर, इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आप भी समझेंगे। टेक्निकली आप बनाते जाएं ताकि थोड़ा सा फिर बाद में हम उनको डिस्कस कर लेंगे। यस सर, ऐसा ही सर। जब हम आई को 3 पुट करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो हमारे पास क्या है यार, एन आई 4 ऑफ टी रिस्ट्रिक्टेड टू टी बिलोंग टू 0 1 आर द क्यूबिक बस टाइम पॉलीनोमियल। अगर हम इसमें गौर करें तो ये जो वैल्यूज हम चेक कर रहे थे ये सारी की सारी इनका जो इंटरवल है टी किसके बिलोंग कर रहा है 0 और 1 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो क्यूबिक बनस्टाइन पॉलीनोमियल है ये स्पेशल केस है किसका, बी सप्लाइन कर्व का। तो इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो डिस्कस कर सकता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड सर कार्डली मेरे ख्याल में सर किसी को अच्छा, नहीं होगा। अच्छा ऐसा है कि फिर मैं चेक कर लेता हूँ कि लोग सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अपने अपने कैम ऑन कर लिया करें क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है, किसी को मजबूरी है, सिग्नल का इशू है वो अलग इशू है, अदरवाइज आप लोगों के कैम ऑन होने चाहिए। तो फिर आप भी अपना ऑन कर लें ताकि मुझे आइडिया हो कि
अब सब लोग क्लास ले रहे हैं सर। असल में ना क्या? कल मौसम काफ़ी ख़राब था, तो अक्सर लोगों की सर लाइट की प्रॉब्लम है सर, मेरी अपनी प्रॉब्लम है सर, तो इससे नेक्स्ट क्लास भी सर हमारी पर होनी है सर, तो ये चार देखो ना, ये तो प्रॉब्लम साझे होते हैं, कॉमन होते हैं, क्योंकि बाद मेरे सर पास भी सिग्नल के इशू आ रहे होते हैं, बाद आप लोगों के पास सिग्नल के इशू आ रहे होते हैं, यस सर, तो सर मैं तो ये तो ये चलती रिक्वेस्ट ही कर रहा था रहे। सर, हमारी नेक्स्ट क्लास होनी है तो सर, ये ऑनलाइन तो क्लासेस में ये चीज़ें तो अंडरस्टैंड करनी पड़ती हैं, और ये एक रियलिटी भी यस है कि इसमें किसी जगह पे भी सिग्नल का इशू आ सकता है। बाज़ दफ़ा ये भी हो सकता है कि ब्रेक डाउन की वजह से बाज़ दफ़ा लाइट नहीं होती, लाइट ना होने की वजह से भी इश्यूज आते हैं, कि सिस्टम जो है वो सारे डिपेंड कर रहा होता है, और बाज़ दफ़ा बंदा चार्ज नहीं कर सकता, या बाज़ दफ़ा चार्जिंग आपकी लैपटॉप की या मोबाइल की वो ख़त्म हो जाती है। तो ये जिन लोगों की वीडियो ऑफ है वो ऑन कर लें, काफ़ी सारे लोग हैं जिस तरह अंसार इसहाक हैं, इनकी वीडियो ऑन है, अदील की ऑन है, आफ्ताब अहमद इसकी ऑफ है, गुलाम उल्ला इसकी ऑफ है, तो ये सारे ऑन कर लें। अवैस हो गया, फैसल इकबाल हो गया, ये सारी अपने वीडियो जो है वो ऑन कर लें। इवन हबीबुर रहमान, आपने भी अपनी वीडियो ऑफ की हुई है। सर, मैं जो सर आपसे बातें कर रहा हूँ सर, इसलिए मैंने ऑफ की हुई है। अच्छा, तो ये सारे अवैस खान आप अपनी आप वो ऑन करें, आप इनके अटेंडेंस भी लगा लें साथ साथ, ये सारे वीडियो आप अपनी ऑन रखें। अटेंडेंस के दौरान किसी की वीडियो ऑफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे आगे अटेंडेंस जाती है, बाद में दिखानी पड़ जाती है, तो उसमें ये वो चेक कर रहे होते हैं कि भी स्टूडेंट जो थे वो बैठे भी हुए थे या ऑफ करके बैठे हुए थे। जी गुलाम उल्लाह, आपकी भी ऑफ आ रही है, अवैस खान की भी ऑफ आ रही है, इसमें हमारे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिनकी वीडियो जो हैं वो ऑफ आए, बाकी ऑलमोस्ट सब लोगों की ऑन है। शुएब अनवर की भी ऑफ आए, तैयबा आप अपनी वीडियो भी ऑन कर लें। अच्छा तैयबा, आपको आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, आपको समझ आ रही है हमारी क्लासेस की कुछ? तो जी सर, आ रही है। तो कोई इशू तो नहीं है जो आपको कुछ चीज़ अगर समझ ना आ रही हो? सर तैयबा, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई इश्यू हो, तो आप डिस्कस कर सकती हैं, ठीक जी, सर क्यों जी, है? जी बोले, आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है। अगर कोई इशू होगा तो मैं आपको। जी तैयबा, आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुंच रही। सही बात, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। लाइट बंद थी शायद, कोई नेट का इशू है थोड़ा बहुत। अच्छा, तो जी सर, मेरी पहले बात हुई थी तो सर वो कह रहे थे कि मेरा जो है ना माइक का इशू है, जो मेरा मोबाइल है ना उसके माइक का इशू है, तो इस तरह मेरी आवाज जो है ना वो आगे कम अच्छा, जाती है। ऐसा है कि हम मुझे ये बताएं कि किसको समझ नहीं आ रही या सबको आ गई है? सर मेरे ख्याल में सबको आ गया सर, तो सर मैं आपसे वो पहले अच्छा रिक्वेस्ट सर, कर रहा था आपको सर। सबको आ गई है, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, ऐसा करते हैं कि आप इसको थोड़ा सा डिस्कस करते जाएं, जहाँ की प्रॉब्लम होगा मैं भी आपका साथ दे दूंगा, ठीक है? तो उसके बाद फिर क्लास एंड कर लेते हैं, इसको जल्दी जल्दी आप डिस्कस करना, सर मेरे ठीक? ख्याल में सर अभी हम इसे क्लोज कर लेते हैं, क्योंकि सर 20 मिनट जी, बाद हमारी मेरी क्लास बात है सर, सुनो, आप तो स्ट्रिक्टली चार इंस्ट्रक्शन यही है कि आपका जो टाइम टेबल है उससे पहले आप अपनी क्लास क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि यूनिवर्सिटी के लोग कभी शुरू शुरू में आ जाते हैं चेक करने के लिए क्लासेस को, और कभी बाद में आ जाते हैं, तो उसके लिए हमें फिर ये चेक करना पड़ता है कि भाई तो टाइम को फॉलो करना हमारी मजबूरी है, ठीक है ना? तो अच्छा, दो लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है, कौन कौन से दो लोग हैं? जी, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। जी जमशेद, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जमशेद, अपने आपको अनम्यूट कर लें। हाँ जी सर, सर जी मैंने ये पूछना था, ये सारे नोट्स हमारे पास हैं, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जी, तो ये जो नहीं नोट्स होंगे वो हम हैं। अपडेट कर देंगे ना, लेकिन ना जब लेक्चर होता ठीक है है उसके सर, बाद जो नोट्स होते हैं वो अपडेट हो जाते हैं।
अगर बाद जब तक में इसकी अपडेट करना प्रैक्टिस नहीं भूल जाता करेंगे हूँ तब तो सर तक। मुझे रिमाइंड करवा देते हैं, ठीक है ना? ठीक है सर, ठीक है जी। जी, तो शरद आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अपने आप को अनम्यूट कर लें। जी बिशरत, विक्रमान शरत, अच्छा जिन भाइयों ने अगर कोई क्वेश्चन करने हैं वो तो ठीक है, अदरवाइज वो अपने आपने हैंड जो है ना वो डाउन कर लें। विक्रमान जी, ये ना भाई होता आपके हाथ आपका में दर्द होना शुरू हो जाए हाथ खड़ा करके। अच्छा, जी जी अजीब। सर, ऐसा ही है सर। अच्छा अजीब, आप सर मैं जी 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 बोले। सर मैंने रेस किया हुआ था तो हाथ में दर्द में भी होने लग गया जी, सर ये जो आपके माशाल्लाह क्वेश्चन है ना सर जी, जब इसकी हमने प्रैक्टिस करनी है ना सर 14 तबक तब रोशन होने हैं एक दफा, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन ना दें काफी है, इनफ है इतने क्वेश्चन, क्योंकि अब आप कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर माशाल्लाह वो देखें वो आपके नोट्स में ही 3 से 4 पेज इसका के है ऐसा है, आप तो लोगों ने ये देखे ना, ये करने तो हैं, ये सर, नहीं वो आप करने हैं हैं तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेंगे सर काइंडली सर। लेक्चर होगा ये उसमें आपके नोट्स प्रैक्टिस। जी, सर, आपके नोट्स पे ही 6 पेज है, दैट्स मीन मेरे फिर सर 15 पेज है, तो मेहरबानी करें सर काफी है ये, अभी पिछले तुम्हारे क्लियर हो जाए फिर आप करवा देंगे अगला। नहीं इसको भी थोड़ा देखना, सेम चीजें, इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट जो देखना प्रैक्टिस के तौर पे। अब एक बच्चा है, सर इसको अगर हम डिवीजन सिखा रहे हैं, हमने अगर उसको सपोज हम कह देते हैं कि 10 को 6 पे डिवाइड कर दें, 4 पे डिवाइड कर दें, 3 पे डिवाइड कर दें ना, उसको दो चार सर एग्जाम्पल हम एक्चुअल करवा रहे होते हैं, बेसिकली सर होता एक्चुअल डिवीजन ही है। सर एक्चुअली मसला ये कि ये डिवीजन वाले क्वेश्चन नहीं है, ये सर जरा हाई लेवल के क्वेश्चन है, तो देखे ना सर आप भाई, मैं मेरा ये क्योंकि छोटे बच्चे नहीं है, आप देखे ना MS कर रहे हैं, यहाँ आपने रिसर्च करनी है और इसके बाद आप लोगों ने PhD करनी है, तो एक बात मेरी आप लोग अंडरस्टैंड कर लें कि अगर आप लोगों ने आगे बढ़ना है तो ये जो छोटी छोटी मुश्किलात होती हैं इनको डाज नहीं करना चाहिए। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को कहता होता हूँ, डू नॉट डाज डिफिकल्टीज, मीट देम, ग्रीट देम एंड देन डिफीट देम। अगर आप कहेंगे कि ये थोड़ा ज़्यादा है, ये कम आए, तो इस तरह के जो एक्सक्यूजेज हैं इससे आपकी जो ग्रूमिंग है वो रुक जाती है। समझ आ रही है ना? देखिए ना, अगर हम जितना ज़्यादा काम करेंगे हमारे लिए उतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। अल्लाह ताला भी उसकी मदद करता है जो कोशिश करता है। ये तो आपने सुना होगा ना, एक कुरान पाक में यस भी एक सर, आया था, उसका मफहूम भी यही है, ठीक है, यस सर, कि अल्लाह ताला किसको अता करता है, जिसकी वो कोशिश करता है, ठीक है। जो लोग कोशिश नहीं करते फिर वो किस्मत पे वो कहते हैं कि हमारी किस्मत ये वो, ये जहन में रख लें। और हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, हमने एक कंपटीशन फेस करना है, कंपटीशन को फेस करने के लिए हमारे पास ज़रूरी है कि हम मेहनत करें, मेहनत से आगे जाएं, ठीक है। तो अब जब ये आपकी इस वक्त आप टर्निंग पॉइंट पे हैं, आपके जो वालदैन हैं उनके भी कुछ अरमान होते हैं, वो सोच रहे होते हैं कि हमारा बच्चा MPhil कर रहा है, PhD कर रहा है, बड़ा आदमी बनेगा, ठीक है। तो जो अब क्लास आप लोग ले रहे हैं तो आपके साथ आपके जो वालदैन हैं वो भी साथ बैठे हुए हैं, उनके जो अरमान हैं, उनके जो ख्यालात हैं, उनकी जो सोचे हैं वो भी आप लोगों के साथ हैं। तो आप ये देखें कि अगर आप MPhil करने के बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो उसका सिर्फ आपको नहीं फेस करना पड़ता, बल्कि आपके वालदैन को भी ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। वो भी सोच रहे होते हैं कि भाई हमने बच्चे के ऊपर पैसे भी दिए, टाइम भी लगाया, सारा कुछ किया, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि वो अभी तक बेरोजगार फिर रहा है। लेकिन टेक्निकली ये होता है कि हम बाज़ दफ़ा अपने आप को डाज कर रहे होते हैं और अपने पेरेंट्स को डाज कर रहे होते हैं, उस वजह से हम अपना जो कंपटीशन है वो सही तरीके से फेस नहीं कर रहे होते। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप जिस लेवल पे हैं, एक टर्निंग पॉइंट पे हैं, और इस लेवल पे आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आगे जा सकेंगे, उससे एक तो आपको बेनिफिट मिलेगा डायरेक्टली, फिर जो आपके वालदैन हैं उनके जो अरमान हैं, उनके जो ख्यालात हैं, देखिए अगर किसी का बच्चा कामयाब हो जाता है तो उसके वालदैन को जो खुशी होती है वो आप सोच नहीं सकते। और मिसाल के तौर पे मैं मेहनत करता हूँ, ठीक है,
मेहनत करने के बाद मैंने पीएचडी कर ली। अब मेरे गांव के जितने भी लोग हैं वो एग्जांपल देते हैं कि यार फलां बंदा हमारा दोस्त है, ठीक है, वो इसलिए रिलेट कर रहे होते हैं कि एक कामयाब बंदा होता है उसका हवाला दे रहे होते हैं वो खुश होते हैं। अच्छा वालदैन होते हैं उनको इस बात की खुशी होती है कि फलां का बेटा जो है फलां पोस्ट पे काम कर रहा है, ऐसे है ना। जो रिश्तेदार होते हैं कोई कहता है मेरा कज़न इस पोस्ट पे बैठा है, कोई कहता है मेरा भाई इस पोस्ट पे है, वो सारे के सारे आप पे डिपेंड कर रहे होते हैं, आपका नाम ले रहे होते हैं। अगर आप देखें अगर कोई बंदा निकम्मा हो जाता है, अपने काम से गाफिल हो जाता है, ठीक है, जिसके पास कोई अचीवमेंट नहीं होती तो उसको कोई ऑन नहीं करता, भाई भी ऑन नहीं करता उसका, नहीं देता कि भाई, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा भाई अगर नशाई है, कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा भाई क्या है निकम्मा है, कोई हमसाया ये नहीं कहेगा कि भाई मेरा ये इस तरह है ना। जब भी कहीं पे वो बैठेगा जिसकी कोई अचीवमेंट होगी, जिसने मेहनत की होगी, उसका हवाला दिया जाएगा। तो आप चूंकि इस पॉइंट से स्टेज से गुजर रहे हैं और बार दफ़ा स्टूडेंट को ये आइडिया नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या क्या हमारे प्रॉब्लम्स हैं, आगे फ्यूचर में हमने क्या करना है, तो ये चीज़ें आप अपने सामने रखा करें, ठीक है। हमने जो कुछ करना था कर लिया है, मैं 5 मिनट पहले क्लास लूँ या 5 मिनट पहले ख़त्म कर लूँ या 5 मिनट बाद में मैं क्लास लूँ, ठीक है, मेरी सेहत में तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ना। लेकिन आप लोग एक लर्निंग प्रोसेस से हैं, आप लोगों की जो हैबिट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। फिर सपोज आप मुझे नहीं कहेंगे, आप हर टीचर से यही कहेंगे कि काम पढ़ाएं, ये करें, वो करें, शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे, और वो शॉर्टकट शायद हो सकता है कि आप लोगों के लिए मुफीद ना। जितना आप मुश्किल से गुजरेंगे, उनका मुकाबला करेंगे, हो सकता है कि आप एक कामयाब लाइफ की तरफ आ जाएं। जी सर, बिल्कुल सर, आपकी यस सर, आपकी बात मेरे ख्याल में टाइम भी काफी कम बच गया है, तो ये जो क्वेश्चन अंदर आ रहा है आप लोग इसको घर से देखेंगे, अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हुआ तो हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि एज ए टीचर हमारी ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि थोड़ा सा हम आपको वो चीज भी बताएं इस चीज का आप लोग नहीं सोच रहे। जब आप शार्ट का yes, बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है ना, आप नंबर लेंगे, आप एग्जाम की खातिर पढ़ेंगे, तो आप एक कामयाब लाइफ की तरफ नहीं आ सकते। कामयाब वो लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, और कामयाबी का रास्ता सिर्फ एक है। यस सर, मुझे सर बहुत जोश आ रहा है सर, मेरा तो दिल कर रहा है कि सर ये क्वेश्चन मैं अभी कर दूं। मैं वही बात कर रहा हूं कि ये आप लोग यहां पे बैठे हैं मेरी क्लास ले रहे हैं, सिर्फ आप लोग नहीं ले रहे, आपके साथ आपके वालदैन की ख्वाहिशात और अरमान भी साथ बैठे हुए हैं, उनको भी आप लोगों से काफ़ी उम्मीदें हैं कि मेरा बच्चा एमफिल कर रहा है, एमफिल करने के बाद एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा। अगर आप एमफिल करने के बाद फिर बेरोजगार करेंगे तो आपके वालदैन के साथ क्या गुजरेगी, आप सोचें इस बात को। यस सर, अगर ये सोचेंगे तो आप मेरे ख्याल में कभी वो मेहनत, आपको अगर ये होगा एहसास कि भी मैं अपने लिए नहीं, अपने वालदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं स्टेज पे हूँ, मैंने पीएचडी भी कर ली, जॉब भी ढूंढ ली, ठीक है, तो फिर भी मैं एक रिसर्च कर रहा होता हूँ और रेगुलरली कर रहा होता हूँ, और रेगुलरली मेरे रिसर्च पेपर आ रहे होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि भी मैं मजीद अभी भी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। yes, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए ही कर रहा होता है ना बंदा। मैंने जो कुछ करना था, जो डिग्री लेने की, जॉब लेने की हो गई ना, एक फर्दर भी एक स्ट्रगल कर रहे हैं कि भी हम इसको आने वाले हालात को कम्पीट करें। मिसाल के तौर पर जब मैं मेहनत करूँगा, मैं एक मिसाल के तौर पर जिस तरह मेरी प्रोग्रेस चल रही है, तो हो सकता है कि आज जिस स्टेज में हूँ कल इससे और अच्छी और बेहतरीन स्टेज में पहुँच जाऊँ। अगर मैं अगर मेहनत नहीं करूँगा तो हो सकता है कि ये स्टेज भी मेरे से चली जाए, फिर मुझे कुछ और ढूंढना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह आप सबको खुश रखे, खुशियाँ दे। क्लास को एंड करते हैं, और आप जहन से ये चीजें निकालें कि अगर हम कम चोरी करेंगे, कम चोरी वाला बंदा कभी बड़ा आदमी नहीं बन सकता। तो मैं आखिर में फिर यही कहूँगा कि डू नॉट डॉज डिफिकल्टीज, मीट देम, ग्रीट देम, एंड देन डिफीट देम। ओके सर, इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।